व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी तो जैसी भी है वो तो हम आपको थोड़ी बहुत बता देंगे, लेकिन असल बात है जावेद अफरीदी की कि जावेद अफरीदी ने जो इस तरह होंडा और सुजुकी और टोयोटा करोला से जो जंग लड़ी है कि उन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था जापान की, तो जापान में उस बंदे ने शिप बनाया हुआ था एक फोटो में, और एक दूसरे जो है गाड़ी बनाई थी, और तीसरे नंबर पर उसने मगरमच्छ बनाया हुआ था। तो मगरमच्छ उसने जो बनाया था वो आखिरी में था। उसने कहा कि देखिए जी ये गाड़ी है जापान में खड़ी है, और ये शिप है, ये शिप में ये गाड़ी जाएगी पाकिस्तान, मतलब यूज्ड गाड़ी है। फिर नीचे उसने बताया था कि ये मगरमच्छ जो है ये आप इससे मुलाकात होगी आपकी पाकिस्तान कराची में। तो जो पाकिस्तान में जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं तो उनको डील करना जरा मुश्किल है, बाकी ये शिपमेंट जो है ये भी आसान है, और ये जो गाड़ी जापान में इसको लेना भी आसान है। तो हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जरदारी के दौर में जो ये मगरमच्छ तो चले आ रहे थे, अफसोस की बात यह है कि इमरान खान के साथ भी ये मगरमच्छ उसी तरह जो है वो रेंग रहे हैं। तो इन मगरमच्छों को इमरान खान साहब आपने खत्म करना है, और जावेद अफरीदी साहब जो है जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक जावेद अफरीदी को कामयाब करे कि जिस तरह जलमा टीम को लाने में इंडिया के साथ उसने टक्कर मारी है, और हायर कंपनी को लाने में उसने कैनवर्ड और सैमसंग और ये जितनी भी कंपनी है उसके साथ जो टक्कर मार के आज हर घर में जिस तरह चाइना के जूसर्स पड़े हुए हैं ना, इसी तरह हर घर में हायर की एसी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन पड़े हुए हैं, क्योंकि सस्ते हैं, अफोर्डेबल है। तो अब बात मैं कर रहा हूं इस गाड़ी की, एमजी की गाड़ी जो इस टाइम पे रिलीज हुई है पाकिस्तान में, बड़ी गाड़ी है, 55 लाख रुपए की है, लेकिन सस्ती गाड़ी आने वाली है 30 मार्च को, जिसकी अफवाहें जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। जो विड्स गाड़ी और सुजुकी स्विफ्ट से 1 फुट लंबी है, हैचबैक है, बगैर डिग्गी वाली है, डिग्गी वाली भी आ रही है होंडा सिविक के मुकाबले में। तो आपको पता है कि गाड़ियां तो हम बहुत चला रहे हैं, यकीन करो इस टाइम में मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा हूं ना, मैं तकरीबन 1 घंटे से मैं बैठा हूं, मैंने ना ब्रेक को टच किया ना मैंने एक्सीलेटर को टच किया, ये गाड़ी खुद जा रही है, ये इधर जाएगी ना, ये स्टीयरिंग खुद कटता है इधर, ये येलो लाइन को टच करती है खुद इधर, अगर आप इशारा लगाएंगे तो फिर तो ये आपको इजाजत देगी कि आप जा सकते हैं। अब देखिए ये खुद कह रही है कि स्टीयरिंग को पकड़ो, आपने स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है, लेकिन ये खुद हिल रहा है, ऑटो पायलट है, खुद ये ड्राइविंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस तरह की छोटी की, हालांकि विजल भी इतनी की है, किया भी इतनी की है, होंडा जो टक्सन है वो भी इतनी की है, और होंडा सिविक जो है जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें, ब्रेक, एक्सीलेटर और जो लाइट लगाने वाला बटन है, लेकिन इसका अगर क्रूज कंट्रोल है तो वो ऐसा है कि आपको खुद बहुत मुकम्मल, अच्छा गाड़ी आती है ना सामने, खुद ब्रेक मार रही है। 1 घंटे से मैंने आपको बताया ना कि मैंने ना ब्रेक को टच किया, ठीक है, मेरे साथ अपने दोस्त बैठे हुए उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, न मैंने ब्रेक को पैर लगाया ना एक्सीलेटर को, एक्सीलेटर भी खुद दब रहा है, ब्रेक भी खुद दब रहा है, और अगर साइड भी गाड़ी जाती है तो स्टीयरिंग खुद कंट्रोल कर रहा है, और मुझे बताता भी है कि आपकी गाड़ी जो है स्टीयरिंग आपने छोड़ा है पकड़ के रखो, और अगर ये लाइन बगैर इशारे के टच होता है तो ये गाड़ी ये देखें खुद ये स्टीयरिंग घूम रहा है, ये मैंने छोड़ा हुआ है खुद, लेकिन अगर काफी टाइम तक मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ तो फिर ये हॉर्न भी बजाता है कि भाई स्टीयरिंग पकड़ के रखो, ये देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग घूम रहा है खुद बखुद। तो गाड़ी तो ऐसे होनी चाहिए अगर महंगी है, बाकी अगर बहरान है, हमें 12 लाख रुपए की बहरान मिल रही है सुजुकी जो कैरी डिब्बा है, जो माचिस की डिब्बिया है, अब ये पकड़ रहा हूँ हॉर्न बंद, सेंसर है, मुकम्मल सेंसिटिव गाड़ी है, एक सेंसर यानी सेंसर सिस्टम है, तो ऐसी गाड़ी, बाकी जो LED कैमरे का अभी तक मैं स्टडी नहीं किया, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल स्पोर्ट्स बटन है, आप दबाएं तो ये हवा की तरह निकलती है, ये बटन है, आप दबाएंगे ना तो अब कितना स्पीड है, दबाएं जरा, इधर लगाएं अपना असद, ये मैं दबा रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, शूट में जाती है एकदम से 150, 160, 170 पे चली गई है। तो ये अगर ज्यादा पैसे है ये खुद आ रही है, देखो खुद आगे गाड़ी है ना, ये खुद ब्रेक मारेगी, मैं नहीं मारूंगा, इवन 30 स्पीड तक खुद आती है। तो कहने का मकसद ये है कि MG को जो है प्रमोट करो, और अगर किसी के पास बड़ी अमाउंट है तो MG की गाड़ी लो। तो कहते हैं ना कि मुझे हो तो नथु लाल के वरना ना हो, बाकी बाहर से जाइए कि खुद आ गई है, 110 पे आ गई है खुद, क्योंकि गाड़ी आ गई है, ऑटो पायलट में लगी है, बाकी कम पैसों में आ रही है गाड़ी, इंशाल्लाह हमारा भी इरादा है उस गाड़ी को लेने के लिए, तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह 17 लाख की। देखो खुद दब गई, 130 पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, खुद दब रही है, जा रही है खुद, देखो मैं बैठा हूँ आराम से, आपको नजर गाड़ी उधर नहीं जा रही है, देखो खुद ये स्टीयरिंग इधर काट रहे हैं। तो गाड़ी हो तो ऐसी हो, बाकी सिस्टम है, सनरूफ इसका डबल है, इतने सिस्टम के बावजूद गाड़ी बड़ी मुनासिब,
बड़ी मुनासिब कीमत में है, मतलब 55 लाख रुपए इस टाइम पे। दूसरा, इमरान खान साहब आपने जो ये, मैं जरा यूट्यूब पे बंद कर दूं, इमरान खान साहब ये कौन सा चक्कर है, हमारी आपके साथ बड़ी उम्मीदें हैं, आप एक मेहरबानी करें कि जो कराची में हमने डॉलर रेट रखा हुआ है ना गाड़ी को क्लियरेंस के लिए, इस गाड़ी को भी क्लियर करने के लिए डॉलर में पेमेंट होती है, तो हमारे तो अपने पैसे हैं तो हम डॉलर में क्यों कन्वर्ट करें। कराची में जो पेमेंट होती है, अभी तो खैर ये डिमांड नुकसानदेह है क्योंकि डॉलर ने फिर उतर जाना है 100 पे, तो फिर तो आपने रेट वही रखा।